मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू केडी वी ब्लॉग्स। तो आज के इस वीडियो में, श्रावण का सोमवार है और हम लोग हैं ओमकारेश्वर में। वाह, इस धर्मशाला में मैं और मेरे दो मामा रुके हुए हैं और इतने सारे कांवड़िए, कांवड़ बोलते हैं ना जो कांवड़ यात्रा करते हैं, इतने सारे कल रात को हमें मिले रास्ते में। ये देखो, अभी भी जो आवाज़ आ रही है वो डीजे की उसकी ही है। कांवड़ क्या होता है जिनको नहीं पता है कि अपने अपने गाँव से नर्मदा नदी को वो लोग भर के चल के या फिर साइकिल पे वो लोग ओंकारेश्वर और सारे शिवलिंग जाते हैं और वहाँ पे वो पानी को अर्पण करते हैं। उसका नाम है कांवड़ यात्रा। बहुत सारी कांवड़ यात्रा चल रही है, मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आज सोमवार है और भीड़ भी बहुत होगी। अब देखने वाली बात है कि हम लोग कैसे दर्शन करते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम है। यहाँ से फिर हमें वापस निकलना है महेश्वर की ओर। तो ये एक अच्छी नई धर्मशाला है, वहाँ पर हम लोग रुके थे। 500 रुपीज़ ओनली रूम का भाड़ा, बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि पैसे खर्च के मतलब नहीं था। सुबह सीधा उठ के निकल जाना था, रात को 11 बजे तो हम लोग आए, तो फिर यही प्लान किया कि अरे भाई साहब गाड़ी तो बहुत गंदी हो गई। तो हम पैकिंग करते करते भोलेनाथ का नाम लेते लेते हमारी सवारी को निकाला ओमकारेश्वर मंदिर की ओर। और जब उस तरफ हमने प्रयाण किया, हमें रास्ते में इतने कांवड़िए मिले जो अपने गांव से निकले थे भोलेनाथ का नाम लेते लेते इतनी श्रद्धा से ओमकारेश्वर की ओर। और हमने ऐसा सुना भी है कि जो कांवड़ यात्रा करके आते हैं दर्शन के लिए, उनके लिए स्पेशल लाइन होती है, पर हालांकि मुझे कहीं दिखी नहीं। पर जो वहाँ पर माहौल था, जो वहाँ पर लोग टूट पड़े थे, इतने सारे लोग मैंने काफ़ी समय बाद देखे थे, और सारे श्रावण के सोमवार के दिन वहाँ पर बच्चे से लेके बूढ़े सब आए हुए थे और हम तीन भी पहुँचे ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर में एंटर हो रहे हैं, अभी 500 मीटर और आगे जाना है हमें। मज़ा आ रहा है, बस लोग अपनी भक्ति उनका नेक्स्ट लेवल है, कहाँ कहाँ से चल के आ रहे हैं लोग। झुलपुल है और इसके सामने ये रहा ओमकारेश्वर मंदिर। भीड़ तो देखो यार, भीड़ तो देखो, मजा आ रहा है। नहीं मामा, बहुत बढ़िया मजा आ रहा है, बहुत चिकन नजारा इधर आप देख के आते हो। यार पानी पानी है, इतना पानी है, सारा समुन्द्र जैसे होता है, इतना पानी है। सब पब्लिक आज उमंग में है और यहाँ सब खुशी आनंद में है, सब मजा आ रहा है। बड़ा बढ़िया मजा आता रहा है। इधर का तट है वो बहुत फैला हुआ है पानी, तो रंगीन नजारा आज बहुत मजा आना चाहिए। खड़े खड़े सोच रहे थे कि नर्मदा मैया में डुबकी लगा ले, पर पानी का स्तर देखकर तो भैया जी हमारी हालत टाइट हो गई। हमने सोचा नहीं इस बार नहीं। झूल पुल पे खड़े हैं, झूल पुल पे जो कनेक्ट करता है वहाँ से ओमकारेश्वर के मंदिर की ओर, और फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे ममलेश्वर मंदिर। तो मामा ऐसा बोलते हैं कि अगर दोनों में से एक भी मंदिर में अगर दर्शन नहीं किए करने हैं तो दोनों मंदिर में करने, अगर एक में किए तो फिर वो आपकी प्रार्थना फेल जाती है। तो मैं बोला नहीं, दोनों मंदिर में करने हैं दर्शन। पूरा फूल माहौल, और हम लोग बहुत ज़्यादा लकी है यार, क्योंकि आज श्रावण महीने का सोमवार है। हमारा कोई प्लान नहीं था, लकीली हम लोग को सोमवार को ओमकारेश्वर के दर्शन करने को मिले और इतना मज़ा आ रहा है। मैं तो अभी दर्शन करने गया भी नहीं हूँ, बाहर खड़े खड़े ही मुझे जो वाइब आ रही है ना, मैं वो आपको बयां नहीं कर सकता। वो इतनी पब्लिक आए जाए जा रही है, इतनी पब्लिक है, एक नंबर। और झूल पुल को भी दूर से देखने में जो मज़ा था भाई साहब, और नदी का वहन तो देखो कितनी तेज़ बह रही थी नदी। और ऐसे जैसे तैसे वहाँ से हम लोग एंटर हुए ओमकारेश्वर मंदिर में, और ये देखो कितनी भीड़ है। हम लोग, मैं तो फंस गया हूँ बीच में, धक्के वो के आगे से पीछे से हर जगह से धक्के लग रहे थे। जैसे तैसे हम लोग अंदर पहुँचे, और ये छोटी सी
जहाँ से एक बंदा ही घुस सकता है वहाँ से दो दो तीन तीन घुस रहे थे। मुझे तो टेंशन हो रहा था, पर जैसे तैसे पार करके हम पहुँचे मंदिर में। वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी, पर मैं चाहता भी नहीं था करना, क्योंकि वो वक्त सिर्फ और सिर्फ हमारा और भोलेनाथ का होना चाहिए। तो बस वो दर्शन करके, जो कि हालांकि 2 सेकंड के ही थे, और सीधा बाहर। हमें बस 1 सेकंड दर्शन करने को मिले, सिर्फ 1 सेकंड। ओ भाई साहब, अब तू हमें पैसा देगा, अब तेरे को हमें देना पड़ेगा। नाम दे दे। तू सबसे लेता है, हम तेरे से लेते हैं। तेरा नाम क्या है? रुद्राक्ष अग्रवाल। रुद्राक्ष अग्रवाल, अरे बहुत बढ़िया नाम। आप कहाँ के रहने वाले? गुजरात बड़ौदा। तेरे पास 5 रुपया खुले ऐसे हिल रहा है पूरा ब्रिज। ये झूल पुल नाम है ना इसका, पूरा ऐसे झूल रहा है बढ़िया सा। ओमकारेश्वर से जा रहे थे और रास्ते में तो खाने के लिए सादा डोसा बस रुके, अभी ब्रेक लिया है थोड़ा। पर यार कांवड़ यात्रा के लिए जो लोग निकल रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा लोग निकल रहे हैं, चल के, इतनी बारिश में चल के जा रहे हैं ये सारे लोग ओमकारेश्वर तक चल के, क्या बात है।